हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 63.1% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। उनमें से 59% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। अगर सिर्फ बात करें इंडिया की, इंक्लूडिंग रूरल एंड अर्बन, टोटल इंटरनेट यूजर्स में से 78.57% लोग ऑनलाइन शॉपिंग चूज करते हैं। हाँ दोस्तों, वी आर लिविंग इन डिजिटल एज, जहां पर दुनिया भर में लाखों और करोड़ों लोग ऑनलाइन सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से कैसे बिजनेस ग्रो किया जाए। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सभी बिजनेस ओनर्स के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया भर में 5.7 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। उनमें से 59% लोग सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्टिवली यूज करते हैं, वो चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फिर स्नैपचैट या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म। और हमें जब भी कोई नीड होती है तो हम सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं ताकि हमें बेस्ट सर्चेस अपीयर हों। तो अगर अब भी आपका बिजनेस डिजिटल ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहा है तो आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही सिंपल है, जो कि आप खुद कर सकते हैं, किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं या किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, आपके बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब एक अच्छा यूजर फ्रेंडली इंटरैक्टिव वेबसाइट होना, जिससे आपके कस्टमर्स आपके ऑफरिंग को आसानी से समझें और वहां से शॉपिंग करें या बिजनेस इंक्वायरी करें। वेबसाइट बेसिकली आपका एक डिजिटल शॉप है। एक अच्छा वेबसाइट आपके बिजनेस ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके बिजनेस सेगमेंट के अकॉर्डिंगली, चाहे आपका बिजनेस मॉडल B2B बिजनेस टू बिजनेस या B2C बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो प्लेटफॉर्म को एनालाइज करें और अपने टारगेट ऑडियंस को समझें, फिर एड्स रन करें। कुछ कॉमन की प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप टारगेटेड एंड इफेक्टिव कैंपेन रन कर सकते हैं। नंबर वन, गूगल एड्स। हर नेचर का प्रोडक्ट और सर्विस को आप बहुत ही इफेक्टिवली गूगल और इसके एफिलिएट चैनल्स पे इजीली प्रमोट कर सकते हैं। नंबर टू, फेसबुक एड्स। कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म लीड्स जनरेट करने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इस पे आप टारगेटेड कैंपेन फेसबुक नेटवर्क एज वेल एज इंस्टाग्राम पे जॉइंटली रन कर सकते हैं। नंबर थ्री, लिंक्डइन एड्स। ये एक डायनामिक एड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वर्किंग क्लास वर्किंग प्रोफेशनल को इजीली टारगेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक ग्रोथ दे सकते हैं। नंबर फोर, स्नैपचैट। अगर आपके टारगेट ऑडियंस यंग हैं तो ये आपको हेल्प करती है इजिली रीच आउट करने में उन ऑडियंस को जो कि यंग है। और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप अपने ऑडियंस को रीच कर सकते हैं और अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मेथड कन्वेंशनल मार्केटिंग से बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बेस्ट थिंग, आप अपने हर एक्टिविटी को, उसके रिजल्ट्स को और बजट को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली अपने एड को ट्वीक कर सकते हैं, बिजनेस नीड्स के अराउंड कभी भी एड स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो अपने ब्रांड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाइए और अपने बिजनेस को एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाइए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।